बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया है वो लगातार सरकार पर दबाव दे रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है सरकार के साथ साथ सत्ता के साथ गठजोड़ करने वाले शिक्षा माफियाओं से भी है। जब तक हम लोगों को संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिल जाता है, लिखित रूप में हमको जवाब चाहिए कि नियोजन इकाई जो है भ्रष्टाचार का अड्डा है जिसमें खुलेआम बोलियां लगाई जाती है, ये तो शिक्षक के आत्मसम्मान को मतलब कि लज्जा का विषय है। लेकिन हम लोग सरकार के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं ना, इन बेशर्मों को शर्म और संवेदना नाम का कोई चीज़ तो नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आपके राज्य का कोई नागरिक आत्मदाह करने पर मजबूर है। आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, में हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि स्टेट मेरिटधारी अभ्यर्थी आज 12 दिनों से बैठे हैं धरना स्थल पर। लगातार इन लोग मांगे करते हैं सरकार से कि सरकार इन लोगों की जल्द से जल्द बहाली कराए। बहुत दिनों से कभी ये लोग सड़कों पर उतरते हैं, कभी कभी आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं, कभी भीख भी मांगते हैं, लेकिन इन लोगों की बातें सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। आइए इनसे बातें करते हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ आलोक यादव। आज 11वां दिन है। लगातार हम लोग 11 दिनों से इस भीषण गर्मी में, जब आसमान से आग उगल रहा है आसमान, उस समय भी हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अब तक सरकार का कोई भी आला अधिकारी नहीं, न शिक्षा मंत्री का कोई अधिकारी, न शिक्षा विभाग से अब तक हमारे पास नहीं आया और न हमारी बातों को सुना कि हमारा मांग क्या है। हम लोगों का जो मांग है उन लोगों तक पहुंच चुका है। सिर्फ इतना सा मांग है कि जो आपकी पुरानी पॉलिसी है, डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, इस पॉलिसी को आप पूर्ण रूप से ख़त्म करिए। आप डिग्री लाओ नौकरी पाओ, ये पॉलिसी को आखिर ख़त्म क्यों नहीं करना चाहते? सरकार जो है डिग्री लाओ और नौकरी पाओ की पॉलिसी इसलिए नहीं ख़त्म करना चाहती है ताकि सरकार में बैठे लोग और विपक्ष में बैठे लोगों का ही प्राइवेट निजी कॉलेज चलता है, और ये निजी कॉलेज मन के मुताबिक आपको एकेडमिक में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देते हैं, पैसा लेकर के नंबर देते हैं, आपका कोई संबंधी हुआ तब नंबर देते हैं। और यही शिक्षा माफिया लोग, यही सफ़ेद पोश लोग पॉलिसी बनवाए हैं शिक्षा विभाग में कि एकेडमिक आधार पर मेरिट बनेगा, जो कि कहीं से ये उचित नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है। हम लोग इसी पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया है वो लगातार सरकार पर दबाव दे रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है सरकार के साथ साथ सत्ता के साथ गठजोड़ करने वाले शिक्षा माफियाओं से भी है। उन्हीं के कारण ये पॉलिसी बनी है 2020 में, जो बिल्कुल गलत पॉलिसी है, डिग्री लाओ और नौकरी पाओ वाली। और जब तक ये पॉलिसी ख़त्म नहीं करेगा, स्टेट मार्क्स के आधार पर बहाली नहीं होता है, प्रतियोगिता के तर्ज पर बहाली का पॉलिसी नहीं बनता है, तब तक हम लोग लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। अच्छा आलोक जी, ये बताइए, आप लोगों से मिलने चिराग पासवान भी आते हैं, पप्पू यादव भी आते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष विपक्ष का कोई आदमी आप लोगों से मिलने नहीं आता। आज आप लोग लगभग 12-11 दिनों से बैठे हुए। अभी तक देखिए लोकतंत्र में यही चला आ रहा है कि विपक्ष ही आपकी आवाज़ को उठाता है, सत्ता पक्ष विपक्ष आया आप लोगों के पास 11 दिन से? जो मेन विपक्ष है राष्ट्रीय जनता दल, वो तो नहीं आया, लेकिन और भी विपक्ष के नेता हैं, जैसे पप्पू यादव जी हैं, उन्होंने आकर हमारा समर्थन किया। चिराग पासवान जी है, वो भी आए और अपना लेटर पैड पर मुख्यमंत्री को संदेश भी लिखा हमारे मांगों को समर्थन करते हुए। और भी पार्टी के CPI ML के माननीय महबूब आलम जी आए, उन्होंने भी हमारे आंदोलन को समर्थन किया और हमने हमारी मांगों को बोला कि विधानसभा में भी उठाएंगे। अच्छा, कब तक आप लोगों का ये आंदोलन जारी रहेगा? 11 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं। जब तक हम लोगों को संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिल जाता है, लिखित रूप में हमको जवाब चाहिए कि जो 2020 का जो नियमावली है ये बिल्कुल गलत है, इस नियमावली को आप बदलिए, डिग्री लाओ और नौकरी पाओ का जो तरीका है बहाली करने का इसको ख़त्म करिए, प्रतियोगिता की तर्ज पर जिस प्रकार से एग्ज़ाम हुआ था उसी एग्ज़ाम के आधार पर आप बहाली भी लीजिए, ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से लीजिए, जून 2022 के तक के रिक्तियों को जोड़िए और भर्ती बोर्ड के माध्यम से लीजिए, शिक्षक भर्ती बोर्ड, नियोजन इकाइयों को भंग करते हुए, क्योंकि नियोजन इकाई जो है भ्रष्टाचार का अड्डा है जिसमें खुलेआम बोलियां लगाई जाती है। हमको यही चार पॉलिसी के साथ, यही चार मांगों के साथ हम लोगों का मांग है। जब तक इन मांगों को मान नहीं लिया जाता है तब तक हम लोग अनवरत धरना इसी प्रकार से जारी रखेंगे, चाहे हमारे समक्ष कोई भी विपदा आ जाए। चाहती आप लोग कभी भीख नहीं मांगते हैं, कभी आप लोग जूता पॉलिश करते हैं, शिक्षक को शोभा देता है।
तो सरकार पे बैठ के भीख मांगना, जूता पॉलिश करना, सब्जी बेचना, ये तो शिक्षक के आत्मसम्मान को मतलब कि लज्जा का विषय है। लेकिन हम लोग सरकार के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं ना, इन बेशर्मों को शर्म और संवेदना नाम का कोई चीज़ तो नहीं है। एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति जो मेरिट में भी आता है, लेकिन दुर्भाग्य उसका देखिए कि वो अब तक रोजगार से वंचित है। तो ये पॉलिसी बनाने वाले और 19 लाख रोजगार का वादा करके सत्ता में आने वाले लोगों के लिए ना शर्म की बात है कि तुम 19 लाख रोजगार तो दिए नहीं, पहले का तो ये जो नोटिफिकेशन था ये तुम्हारे वादा के पहले का था, उसके पहले का तो वादा तुम पूरा किए नहीं। कौन 19 लाख का वादा किया? एनडीए के जो लोग हैं ये अभी अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी ने तो ट्वीट किया ना, 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किए थे, और अभी अग्निपथ की अग्निवीर नामक एक योजना ला दिए हैं जिसको पूरे बिहार में हर जिला में हर पंचायत लेवल तक इसका विरोध हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इनका बात और कथनी और करनी में बिल्कुल ये रहता है, फर्क रहता है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं, गुलाम बनाने वाली पॉलिसी रहे, इसीलिए हमको ऐसे लोगों के बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम लोगों का मांग है कि हम लोग को नियमावली बदले, हम लोग को रोजगार सुनिश्चित करो, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहें। आलोक जी, टीचर एक शिक्षक एक मार्गदर्शक होते हैं, और वैसे में आपके कुछ साथी आत्मदाह करने की कोशिश भी किए थे शिक्षा मंत्री के आवास के सामने, इससे तो गलत इफेक्ट पड़ेगा। ये तो सरकार के लिए ना सोचने वाली विषय है कि कितना अजीज हो गया वह व्यक्ति कि वो आत्मदाह तक, वो मरने तक के लिए तैयार हो गया। अपनी लगातार बातों को उसने उठाया, उस व्यक्ति ने लगातार बातों को उठाया पक्ष के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से, लेकिन उसको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो अजीज आकर वो व्यक्ति क्या करेगा, आत्मदाह ही न करेगा। ऐसे हम आत्मदाह का समर्थन नहीं करते हैं, ये गलत चीज़ है। लेकिन आप मजबूर किए उसको, तो ये तो शर्म आनी चाहिए ना आपको, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आपके राज्य का कोई नागरिक आत्मदाह करने पर मजबूर है। ये आपके लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है। उस व्यक्ति को आप बुलाइए, उसकी परेशानियों को पूछिए, क्या तुम्हारा परेशानी है, क्या तुम्हारा दिक्कत है, क्योंकि वो आप ही के राज्य का नागरिक है, वो किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं है। उसकी परेशानी है तभी वो मरने पर तैयार हो रहा है। जब तक लिखित रूप से आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोग आंदोलन पड़े रहिए। जी, अनवरत धरना हम लोगों का जारी रहेगा जब तक हम लोग लिखित रूप से हम लोगों को नहीं मिल जाता। आज 11वां दिन है, हम लोग महीनों तक इस आंदोलन को इसी प्रकार से खींचने के लिए आए हैं। बोलना यह चाहते हैं कि आपने बोला कि मोदी जी अभी 2 दिन या 3 दिन में कुछ ट्वीट लिखे थे, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो भी सरकारी, तो 10 लाख 1.5 साल में युवाओं को नौकरी देंगे। 1.5 साल जोड़ लीजिए, 1.5 साल के बाद मतलब कि 24 में चुनाव है, तो ये एक तरह का जुमला है। अब तो और क्या है, मोदी जी बोले कि उन्हें एक प्रतिवर्ष जो देंगे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वो तो खत्म हो गया। फिर बोले कि 19 लाख एनडीए सरकार 19 लाख नौकरी खत्म कर दिया। फिर सत्ता पक्ष जी बोला कि 10 लाख देंगे, तो अरे तुम 10 लाख बोला था तो तुम जो पक्ष में बैठा हो उस पर तो कम से कम तुम दबाव दे सकते ना हो, ये मेरा कहना है। ये जुमला है और कुछ नहीं है। अब आपने बोला एक अग्निवीर नाम का एक योजना आया है जो 4 साल के लिए है, तो अग्निवीर योजना में कौन जाएगा आपको मालूम है? कौन जाएगा उसमें? जाएगा गरीब परिवार के बच्चा 4 साल, और फिर 4 साल बाद कहाँ जाएगा वो बच्चा, बताइए आप ही बताइए। मीडिया वाले भाई लोग हैं, कहाँ जाएगा लोग हैं? ये 4 साल बोल रहे हैं जॉब का, ट्रेनिंग बहुत लंबा चलता है, हम लोग छात्र के साथ। उससे बढ़िया तो 4 साल क्या मतलब, वो 4 साल के बाद लड़का जो है एक तरह से पूरा मतलब कि हथियार सब चीज सीख लेगा, हो सकता है दूसरा काम करना शुरू कर दे, तो देश को उस तरह से नुकसान भी हो सकता है हमारे अंदाज से। वहाँ से सीख कर आएगा 4 साल बाद तो कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि मेरे भाई खुद आर्मी में फिजियोथेरेपिस्ट है और बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो 4 साल वाला स्कीम आया है, तो कल फोन किया था भैया को कि भैया इस तरह का आया, तो बोला कि नहीं सरकार का ये गलत नीति है, उन्होंने विरोध किया है खुद। और हम लोग ऐसे ही यहाँ पर थोड़ी बैठे हुए हैं, बोलते आप ही बोले मीडिया भाई कि अभी आप लोग जूता सिलते हैं, पकौड़ा तलते हैं, तो हम लोग का थोड़ी शौक लगा हुआ कि हम पकौड़ा तले, इतना पढ़े लिखे मेरिट में आए हैं, दिन रात पढ़ के मेरिट में आए हैं, थोड़ी पकौड़ा तलने के लिए आए हुए हैं।
तो अभी आपने सुना ये स्टेट के मेरिटधारी अभ्यर्थी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जब तक हम लोग को लिखित रूप से नहीं देगी कि हम लोग की बहाली की प्रक्रिया कब स्टार्ट कराएगी, तब तक हम लोग लगातार इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और एक साथी थे, इनका ये भी कहना था कि जो अभी मोदी जी ने जो ट्वीट किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, इनका कहना है कि ये एक जुमलेबाजी है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।